से मिठा जा रहा फिर मैंने सिखा पदिंग स्मार्ट। अक्सर मैं धमकी वीडियो बनाता हूं क्योंकि धमकी वीडियो से ही काफी सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाई, तो कई बार लोग मुझे समझ लेते हैं कि मुझे धम्म के बारे में सारा सारा बिल्कुल अच्छी तरह से, जैसे होता ना रटा हुआ तोता ऐसे है, तो कई बार मुझे बैठा देते हैं कि आप तीक्ष्ण कराओ, पंचशील कराओ। तो तीक्ष्ण तो ठीक है, मैं करा देता हूं, पर पंचशील में पंचशील के क्रम भूल जाता हूं। पांचों शील याद रहते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं शीलों के एक एक शब्द का अर्थ बता सकता हूं, वो अर्थ भी बता सकता हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताया, पर शीलों के क्रम मुझे आज तक याद नहीं रहते। तो देहरादून के अंदर जब मैं, उन्होंने कहा जी कि आप पंचशील तीक्ष्ण कराओ, तो मैंने पंचशील कराए और वो तीसरा चौथे पे हो गया होगा, चौथा पांचवें पे मुझे पता नहीं, मुझे आज तक याद नहीं रहता। तो कहने लगे जी कैसा धमका बताने वाला है, इसको तो शीलों के क्रम भी पता नहीं है, ये क्या धर्म बताएगा। तो मैंने कहा भाई ये तो बात बिल्कुल सच है कि मैं ऐसा ही बताने वाला हूं, मुझे शीलों के क्रम पता नहीं है, मगर मुझे ये पता है कि ये पांचों हैं और ये पांचों वारित नियम हैं। तो मैं कोई वारित नियम नहीं बता सकता कि ये वारित क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते हैं, और वारित से कितने शब्द बने हैं ये तो मैं कोई नहीं बता सकता, इसको वारित क्यों कहते हैं ये नहीं बता सकता कोई, मैं बता सकता हूं। तो दरअसल क्रम के बारे में जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा भाई तू मुझे ये बता दे कि भगवान बुद्ध ने जो ये क्रम दिए थे कहाँ दिए थे, कैसे दिए थे, कब दिए थे, क्या इस क्रम के बारे में बोला है। तो कोई बता नहीं पाया कि ये क्रम क्यों दिए, कैसे दिए, क्योंकि भगवान बुद्ध तो है नहीं, और जो संत होते हैं जो वो कहते हैं कब कहाँ कहते हैं और लोग उसको कैसे क्रम में करते हैं वो अलग बात है, पर सार में जाना चाहिए, वो किस पर्पज के लिए कही है वो जाना चाहिए। आज सम्राट अशोक यानी धम्म चक्रवंतु, इसको जो बोलते ना धम्म चक्रवती सम्राट, तो ये जो ओरिजिनल शब्द है ये है धम्म चक्रवंतु, जहां ऊ लगा देते हैं यानी वाला, धम्म माने जो धम्म चलता है प्राकृतिक नियम, और चक्र माने धर्म का चक्र, यानी जिसको आप आठ तली का अष्टांगिक मार्ग का चक्र बोलते हैं, या जो यहाँ फोटो में लगा हुआ है, या बारह तली का, या चौबीस तली का, या अड़तीस तली का, तो वो जो धम्म चक्र है आठ तली वाला, आठांगिक मार्ग वाला, उसको चलाने वाला, उसको घुमाने वाला, और प्रियदर्शी बोलते हैं, नाम उसका प्रियदर्शी है वैसे तो जो हिंदी में है, मगर पाली में प्रियदर्शी बोलते हैं। प्रियदर्शी मतलब जिसका दर्शन प्यारा है, जिसको देखने से अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। और सम्राट, सम्राट का मतलब है जिसका राष्ट्र समता पर आधारित है, वैसे तो सम्राट बोलते हैं, सम्राट का मतलब होता है समता पर आधारित राष्ट्र, और सम्राट का मतलब सम्राट से सम्राट बना है। और फिर अशोक बोलते हैं, अशोक का मतलब अशोक, जिसको शोक नहीं, और फिर बोलते हैं उसको महान, मैं हान, जिसके महा के बाद में जो न लग जाता है तो नाउन बन जाता है, यानी कि जो बड़ा है, महा माने बड़ा है। तो जितना भी आप सम्राट अशोक के बारे में, यानी धम्म चक्रवंतु प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान के बारे में, दो जयंतियां मनती हैं, एक जयंती अभी पहले गई थी, एक अभी आई है, कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि ओरिजिनल डेट का किसी को पता नहीं है, चलता है बस कहीं से कुछ मिल गया तो चल गया, फिर मान्यता हो जाती है। बुद्ध के बर्थ की भी मान्यता है, लोग बैठे उन्होंने एक मान्यता की और मान्यता फिक्स हो गई, पूरा त्रिपिटक पढ़ा, साहित्य पढ़ा, वो सारी सारी चीजें, डेट फिक्स का पता नहीं चलता क्योंकि डेट कैलेंडर नहीं है, कुछ नहीं है, पत्थर है तो पता नहीं चल पाता। तो वैसे दो डेट चलती हैं, अच्छी बात है दो चलती है हमारे महान पुरुषों की, तो हर महीने कोई ना कोई डेट आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बुद्ध के 12 बर्थडे होने चाहिए और सब मनाएं, क्योंकि इस बहाने हम उनकी जानकारी, उनकी बात रिपीट करते रहते हैं, उसका जप करते रहते हैं, जप्ती करते रहते हैं। ये जप और जप्ती बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और पाली का ही है। तो सम्राट अशोक की सारी बातें आपको किताबों में मिल जाएंगी, लेख मिल जाएंगे, आलेख मिल जाएंगे, शिलालेख मिल जाएंगे, और अब तो रिसर्च चल रही है तो ये भी पता चलेगा कि उनका राज्य कैसे चलता था, उनका संविधान कैसे चलता था, राज्य में शासन कैसा था, शांति कैसी थी, बहाली कैसी थी। आप जितना भी पढ़ोगे किताबों में यही मिलेगा, पर उन सफेद पन्नों में सफेद साई से क्या लिखा हुआ है
व्हाइट पेपर पे व्हाइट इंक से क्या लिखा हुआ है, वो जो अशोक ने पत्थर पे लिखवाया उस पत्थरों के पीछे क्या लिखा हुआ है, जो गुदा हुआ नहीं है, जो एनग्रेविंग नहीं है, और जो प्लेन है, सपाट है, वहां भी कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। आप अगर बाबा साहब के अनुयायी हो और बुद्ध के अनुयायी हो तो सफेद स्याही से सफेद अक्षरों को पढ़ना सीख लो। अगर सीखोगे नहीं और सफेद पेज पे काली स्याही के अक्षर ही पढ़ते रहोगे तो आप उन्हीं अक्षरों में उलझे रहोगे। जब सम्राट अशोक की बात चलेगी तो आप ये पूछना कि सम्राट अशोक ने जो महाभारत बनाया था वो महाभारत कहाँ है और महाभारत से भारत कैसे रह गया। फिर आप ये पूछना कि क्या महाभारत सम्राट अशोक से पहले किसने बनाया और इसको टुकड़े करने वाले कहाँ गए, कौन इसको भारत को महाभारत का टुकड़े करने वाले वो कौन लोग थे और वो कहाँ छुपे बैठे हैं, वो किधर चले गए। फिर आप ये पूछना कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सम्राट अशोक के पत्थरों को तोड़ा, क्योंकि आप एक ही बात बोलोगे आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.